नेटवर्किंग का डिस्कशन चल रहा था राइट प्रीवियस सेशन में नेटवर्किंग से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे अब इन दी नेटवर्किंग अगेन आई एम आस्किंग न्यू क्वेश्चन कि सपोज दैट आई हैव टू सर्वर दिस इज माय डोकर होस्ट और दिस इज अनदर मशीन इस मशीन में आई एम डिप्लोइंग एप्लीकेशन इस सिस्टम में मेरा एप्लीकेशन चलेगा और इस सिस्टम में मेरा डेटाबेस चलेगा डेटाबेस बेस कंटेनाइज है एप्लीकेशन कंटेनाइज है या डायरेक्टली मशीन के अंदर चल रहा है ये मैटर नहीं करता ठीक है दिस इज लिनक्स एस सर्वर जिसके अंदर वी विल डिप्लो वर्ड प्रेस जावा एप्लीकेशन पाइथन एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है वो बट लेकिन वो एप्लीकेशन डेटा बेस को रिमोट रिमोटली कम्युनिकेट करेगा ठीक है सो नाउ टेल मी द प्रोसीजर कंप्लीटली डेटाबेस कंटेनर यहां बनाना है आपको और उस डेटा बेस में क्लाइंट शुड बी लॉगड इन फ्रॉम दिस मशीन यहां से एप्लीकेशन उस डेटाबेस कंटेनर में लॉग करना चाहिए सो हाउ यू विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल नाउ लेट मी टेल मी कमांड्स एनी वन डेटा बेस यहाँ करना है आपको और डेटा बेस को लॉग करके दिखाना है यहाँ से आप लोग को इज सेकेंड डॉकर मशीन या तो ऐसा बोलो या इज सिंपल एप्लीकेशन सर्वर ठीक है इस सिस्टम में सभी डिप्लॉय होगा जो डेटाबेस से रिमोटली कम्युनिकेट करेगा क्वेश्चन तो समझ में आया ना आप लोगों को मनमोल अरुण क्वेश्चन का मतलब क्या है सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन द क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल ये है इस सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करके मैं आगे देखूंगा ऐसा मानो मेरी एप्लीकेशन टीम है इस सिस्टम के अंदर दे विल एप्लीकेशन एप्लीकेशन वे एप्लीकेशंस को डेटाबेस चाहिए बट डेटाबेस मेरा कंटेनाइज है और वो डेटाबेस के लिए आई डॉकर तो डेटाबेस कंटेनर यू डिप्लॉय इन दिस मशीन बट कनेक्शन चेक करना है आपको इस मशीन से बिल्कुर, बिल्कुर सर वो डॉकर नेटवर्क अटैच यूज करना पड़ेगा सर और डेटाबेस मशीन को उधर ये करना पड़ेगा अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन से प्रॉपर एग्जैक्ट मुझे पूरा प्रैक्टिस चाहिए ए सिंगल लाइन से आ, कोई सेटिस्फाई नहीं होता इंटरव्यू में प्रॉपर प्रोसेस समझाओ व्हाट विल बी कमांड कमांड क्या होगा कनेक्टिविटी कैसे करके दिखाओगे वो प्रॉपर समझाओ उसको प्रोसीजर बहुत सिंपल क्वेश्चन है एप्लीकेशंस कंटेनर यहाँ बनाऊंगा मैं इस मशीन में आई विल डिप्लॉय एप्लीकेशन कंटेनर और इस सिस्टम के अंदर आई विल डिप्लॉय डेटाबेस कंटेनर अब इस एप्लीकेशन कंटेनर को डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाना है लेट सपोज वर्डप्रेस प्रेस यहाँ चलेगा और डेटाबेस बेस यहाँ चलेगा तो इस केस में हमें एक नेटवर्क बनाना होगा पहले सपोज uh, दैट हमने एक प्रॉड नेटवर्क बना लिया है Okay, उसके बाद एक मशीन पे पे हम वहाँ पे, बड़ी डॉकर नेटवर्क क्रिएट ओके डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन आईफन सबनेट ओके कुछ भी दे सकते हैं वन नाइन्टी टू वन डॉट वन सिक्सटी एट टेन डॉट जीरो ठीक है स्लैश ट्वेंटी फोर उसके बाद ड्राइवर देंगे हाईफाइन पेन ड्राइवर ब्रिज ओके okay. और उसका नाम दे देंगे प्रॉड सपोज प्रॉड ये पहले से नेटवर्क कॉन्फिगरड है तो मैं एक सेकंड के अंदर एक काम कर देता हूं इसमें से इसमें कैसे मालूम करेंगे हम लोग कितना नेटवर्क पहले से एग्जिस्ट है डॉकर नेटवर्क एलएस से ओके एंड हाउ यू विल टर्मिनेट अनयूज्ड नेटवर्क डॉकर प्रून कमांड से डॉकर नेटवर्क्रून ट्रून राइट तो नाउर के रेडिंगशन ब्रिज नेटवर्क प्रोड नेम से ठीक है वहां पर हम डीबी का इमेज फैच करेंगे डॉकर पुल ओके सपोज आई एम पुलिंग वन इमेज फॉर इंटरनेट सर hmm. डीवी का अलग नोड दूसरे नोड पे पुल करना पड़ेगा ना इमेज हाँ ये डॉकर नोड जो एक्चुअल में दिस इज फॉर कंटेनर और दिस इज फॉर माय एप्लीकेशन कंटेनर ओके नाउ इसको फिर मतलब uh, रन करेंगे हम इसको डॉकर रन हाइफन डी से डॉकर रन हाइफन डी

और इसका पासवर्ड हो गया इसका यूजर नेम भी देते हैं ना mysql_ हाँ, एक नॉर्मल यूजर नेम भी बना दिया इसका मैंने wp नाम से बना दिया चलो ठीक है फिर हाइफन ई दे इसका पासवर्ड देंगे फिर इमेज नेम एंड में mysql एक डेटाबेस का नाम भी देते हैं साथ-साथ हम्म wp नाम का डेटाबेस बना दिया ठीक है

डेटाबेस कंटेनर का पोर्ट नंबर क्या होता है माइसिकल का डबल थ्री जीरो सिक्स पोर्ट नंबर को बेस सिस्टम के साथ में मैंने बाइंड कर दिया डबल थ्री जीरो सिक्स ठीक है hmm. और इमेज का नाम क्या है कॉलम फाइव डॉट सिक्स डीवी नाम से आई थिंक कंटेनर पहले से एग्जिस्ट है ऑलरेडी सो आई नीड टू डिलीट इट वी हैव डिप्लॉयड नाउ हाउ यू वेरीफाई की डेटाबेस में लॉग इन हो पा रहा है कि नहीं सो लेट मी गोन क्लाइंट साइट अब इस क्लाइंट साइट से आप क्या करोगे इसमें डॉकर तो इंस्टॉल नहीं है लेकिन आप माई सिक्वल कमांड से वेरीफाई कर सकते हो माई सिकल कमांड से यू कैन वेरीफाई की डेटा बेस इंस्टॉल हो पा रहा है कि डेटाबेस में लॉग इन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो इसमें माई सिक्वल कमांड इंस्टॉल नहीं है तो एक काम करना पड़ेगा आपको यम स्टॉल मारिया सिक्ल होता है ना क्लाइंट एट है सॉरी yes. तो इसमें कमांड क्या चलेगा मारिया डीवी फॉर कनेक्टिविटी ना <laughs> इस सिस्टम में यम कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा एक बार पहले हाँ इसमें यम कॉन्फिगर नहीं है तो एक सेकंड कहाँ चलते हैं इस रेपोजेटरी को यहाँ से हटा देते हैं राइट और एक यम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं मैन्युअली यस दिस इज नॉट डॉकर कंटेंट ना ये तो एक लिनक्स की नॉलेज है आप लोगों की सो आई एम क्रिएटिंग यम रेपोजेट्री ये हम क्लीन ऑल से जो भी इसका एग्जिस्टिंग कैसे था ना वो डिलीट हो गया देन लेट मी इंस्टॉल मारिया डीबी ठीक है सो कमांड आई थिंक आपको मालूम होगा माइस इक्वल माइनस यू यू नेम रूट है

एक्सटर्नली उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली तो विच आई पी यूटे बेसिकली आईपी किसका आएगा लेकिन अब डॉक्कर मशीन का आएगा और फिर... हाँ क्योंकि आपने कंटेनर की पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है कि डॉकर होस्ट मशीन जो होगा ना वो कंटेनर के लिए प्रॉक्सी सिस्टम की तरह काम करेगा कंटेनर का जो प्रॉक्सी सिस्टम का क्या होगा अभी डॉकर होस्ट होगा डॉकर होस्ट में कोई भी क्लाइंट लॉगिन करेगा और उसका जो प्रॉक्सी सर्वर है आई मीन डॉकर होस्ट में एक सर्विस आईपी टेबल वो आईपी टेबल आपके पैकेट को कंटेनर्स के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा ठीक है तो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग हियर डॉकर सिस्टम आईपी मुझे आईफोन पसंद है डॉकर <laughs> सिस्टम का आईपी डबल थ्री जीरो सिक्स ये पोर्ट नंबर मैं क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बेस सिस्टम के साथ में इस पोर्ट से इसको बाइंड कर रखा है ठीक है देन माइनस पी पी फॉर पासवर्ड लेट मी पुट द पासवर्ड ऑफ रूट अकाउंट लॉग इन क्यों नहीं हो पाया आई थिंक ये जो पोर्ट नंबर है ना ऐसे पास नहीं कर सकते हम लोग वैसे डिफॉल्ट पोर्ट नंबर डबल थ्री जीरो सिक्स ही होता है अगर आप पोर्ट नंबर डिफाइन नहीं करोगे ना तब भी लॉग हो जाएगा आपका ये देखो ना वी आर लॉग इन पोर्ट नंबर वैसे मैंने डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज किया हुआ है डबल थ्री जीरो सिक्स और माई सिक्वल बाई डिफॉल्ट डबल थ्री जीरो सिक्स पैकेट भेजता है तो पोर्ट नंबर आपने टाइप भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर सेम ही यूज करेगा राइट सो फाइनली वी आर लॉग इन इन सर्वर इस चीज से कनेक्टिविटी वेरीफाई हो गई और मालूम चल गया कि कंटेनर को एक्सपोज करना है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग से आपने एक्सपोज कर दिया अब उसको कोई भी यूज करे एप्लीकेशन टीम यूज करे कोई नॉर्मल क्लाइंट लॉग इन करे मैटर नहीं करता कंटेनर एक्सटर्नली आपका एक्सपोज हो गया तो इसका आंसर ये था पोर्ट फॉरवर्डिंग वी नीड टू कॉन्फिगर बेसिकली टू एक्सपोज डेटा बेस सर्वर राइट नाउ इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कभी इस देर एनी अल्टरनेटिव वे विदाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग फॉर एक्सपोजिंग डेटाबेस कंटेनर डेटाबेस कंटेनर को वी वांट टू एक्सपोज बट वी डू नॉट टू कॉन्फिगर पोर्ट फॉरवर्डिंग मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्फिगर नहीं करना है तो इसके अल्टरनेटिव क्या आप सजेशन दे सकते हो इंडस्ट्री में इस देर एनी वे विदाउट वोट फॉरवर्डिंग डेटा बेस एक्सटर्नली रीच हो जाएंगे नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ यू कैन एक्सपोज विदाउट वोट फॉरवर्डिंग इट कंटेनर को एक्सपोज करना है मुझे एक्सटर्नली वोट फॉरवर्डिंग करना नहीं है तो और ऐसी क्या अप्रोच आप कंपनी में फॉलो कर सकते हो इसमें सर्विसेज होती है सर और तो जैसे कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं दे पा रहे दैट मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ठीक से सर आईपी वी यूज कर सकते हैं मैक वी और होस्ट uh, नेटवर्क भी यूज कर मैक विलेन भी एक ऑप्शन है और मैं उस पर भी चलूंगा आगे भी उससे पहले भी बहुत सिंपल ऑप्शन है एक्चुअल में इसमें वो आपके माइंड में हिट नहीं कर रहा लेकिन अभी डू यू नो अबाउट होस्ट नेटवर्क सो वैक्ट होस्ट नेटवर्क इसी कंटेनर कोस्ट नेटवर्क नेटवर्क इसका मतलब क्या है एक कंटेनर ब्रिज का पार्ट है और एक कंटेन होस्ट नेटवर्क का पार्ट है तो ये दोनों का एक्चुअल में नेचर कैसे काम करेगा हाउ दे आर लाइक डिफरेंट दोनों की वर्किंग में कितना डिफरेंस है होस्ट नेटवर्क में चलने वाला कंटेनर और ब्रिज नेटवर्क में चलने वाले कंटेनर में क्या डिफरेंट होता है कोई डिफरेंस को एक बार बताएगा मुझे होस्ट 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 मतलब नेटवर्क में क्या होता है जो कंटेनर होते हैं वो डायरेक्टली जो होस्ट की आईपी रहती है उसी yes. से एक्सेस होते हैं उस, वो उसके लिए सेपरेट आईपी क्रिएट नहीं होती है राइट दिस इज दी एडवांटेज राइट अब एक पे पे इसका लिमिटेशन नहीं होती है

वो भी सर्विस सेम बोर्ड नंबर यूज नहीं कर सकता और एक ड्रॉबैक और है सिक्योरिटी कंसर्न क्या है डायरेक्टली तुम्हारा कंटेनर नेटवर्क लेवल पे क्या हो रहा है प्रेजेंट हो रहा है पहले क्या था ब्रिज में तुम्हारी सिक्योरिटी हाइड है तुम्हारा अपियरेंस नेटवर्क पे नहीं है यू आर रनिंग बिहाइंड ब्रिज नेटवर्क एडवांटेज ये है कि यू आर गेटिंग वर्चुअल आईपी एड्रेस राइट और वी कैन रन मल्टीपल कंटेनर्स इवन दे वर्क ऑन सेम पोर्ट नंबर अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हैव टेन एप्लीकेशंस दे आर लिसनिंग ऑन सेम पोर्ट नंबर तो व्हाट यू विल सजेस्ट ब्रिज नेटवर्क की होस्ट नेटवर्क ब्रिज 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 हां क्योंकि सर आपने बोला है कि सेम एप्लीकेशन वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस बट दे ऑन सेम पोर्ट नंबर तो सेम पोर्ट नंबर का मतलब है सबको अपना आईपी अलग चाहिए अलग आईपी होगा तो प्रॉब्लम पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा और अलग आईपी पी कहाँ होता है ब्रिज में होता है वर्चुअल इथरनेट केबल्स कहाँ मिलती है आपको ब्रिज के अंदर मिलती है ठीक yes. है सो नाउ टेल मी द कमांड अनमोल हाउ टू अटैच दिस कंट्री विद द नेटवर्क इसमें डॉकर रन ओके okay. डॉकर रन हाइफ़न डी हाइफन एफन नेम जो रहता है इसका और यहाँ पे जो रहता है वो नेटवर्क टाइप करें हाइफन एफन नेटवर्क होस्ट लिखते हैं यहाँ पे राइट दैट मीन्स ये एक चेंज है इसके अंदर बाकी सेम रहेगा और लास्ट so. में ही पोर्ट फॉरवर्डिंग की नीड नहीं रहती पोर्ट फॉरवर्डिंग की नीड नहीं है आपको ठीक है Now, let me show you कि मेरे बेस का हुआ क्या? इसे सर होस्ट कर लेगा सिर्फ होस्ट से और कुछ नहीं डालना पड़ेगा इसके बस। <laughs> ऐसा रिलाइज हो रहा है कि मेरे बेस सिस्टम में डेटाबेस चल रहा है जबकि डेटाबेस कंटेनाइज है और डेटाबेस का जो सॉकेट है ना जो नेटवर्क

कि इसको होस्ट नेटवर्क से एंगेज कर दो तो डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड से ही एक्सेस हो जाएगा विदाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग अंडरस्टूड ठीक है ये आंसर ठीक है आपका तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं राइट right. ओके <coughs> okay.

कब इसको यूज कर हैं क्या इसका एडवांटेज है वो वांट टू एक्सप्लेन अबाउट दी मैकविलेन अनमोल अरुण बिपिन पैजल मैक विलेन का यूज uh, वहां पे आता है जहां हमें मतलब कि मैक एड्रेस को हमें एक्सपोज करना होता है कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो मैक एड्रेस बेस पे चलती है उनका आईपी की नीड नहीं होती है लाइक मॉनिटरिंग टाइप कुछ एप्लीकेशन होती है वहां हैं नहीं ऐसी तो कोई एप्लीकेशन नहीं है जो आईपी की नीड ना हो मैक विलन वाले नेटवर्क में आईपी तो मिलता ही आपको ऐसा नहीं है आईपी नहीं मिलेगा आईपी के साथ में यू आर गेटिंग इंडिविजुअली मैक एड्रेस एज वेल राइट आईपी तो मिलेगा उसमें अभी आपको ऐसा नहीं आईपी आईपी पैकेट के बिना क्लाइंट एक्सेस कैसे करेगा आपको फिर राइट यस बट सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जिनकी लाइसेंसिंग होती है एक्चुअल में और लाइसेंसिंग होती है हार्डवेयर एड्रेस के ऊपर पता है आपको डेटा सेंटर्स में पहले जब कंट्रीनाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी डेटा तो सेंटर में हम सर्वर के ऊपर जब लाइसेंस डालते थे ना तो वो लाइसेंस उसकी मैक टेबल को मैक एड्रेस के साथ में बाइंड होता था इफ मैक एड्रेस गेट दी चेंज लाइसेंस विल एक्सपायर कभी सुना होगा आप लोगों ने हार्डवेयर एड्रेस को, को लाइसेंस इंगेज करता था अब वो एप्लीकेशन इफ आई कंट्रीनाइज तो कंट्रीनाइज का जो मैक एड्रेस होता है ना बाई डिफॉल्ट जैसे ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है योर मैक इज नॉट स्टेटिक वर्चुअल मैक एड्रेस ब्रिज आपको देता है और जैसे ही कंटेनर्स का जो शट डाउन देन यू लॉन्च कंटेनर यू स्टार्ट इट अगेन योर मैक विल चेंज ओके थोड़ा और और इसके बारे में बोलो एक आ, बात आपने बोला है कि इंडिविजुअली मैक एड्रेस मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटेनर्स का हार्डवेयर एड्रेस रिकोगनाइज करना चाहता हूँ दिस इज द डिमांड कंटेनर एक फिजिकल हार्डवेयर की तरह मेरे नेटवर्क में प्रेजेंट होना चाहिए अभी तक ये वर्चुअल आइडेंटिटी था बट मुझे अपने नेटवर्क लेवल पर इसको एज अ फिजिकल डिवाइस प्रेजेंट करवाना है मेरे स्विच में ये इसका अपेरेंस होना चाहिए मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिवाइसेस हैं एक्चुअल में नेटवर्क डिवाइसेस सो देयर कंटेनर शुड बी अपियर सेपरेट मैक एड्रेस कटिंग भाई क्या बोल रहा हूँ मैं तो सम प्रोडक्ट जो मैक स्पेसिफिक जिनकी लाइसेंसिंग होती है जो मैक एड्रेस के बेस पे डिपेंड रहते हैं एक्चुअल में और जिनको एक यूनिक आइडेंटिफायर हार्डवेयर एड्रेस चाहिए अपना सेपरेट ओके तो देन वी कॉन्फिगर मैक बील नेटवर्क इन दी मैक वील एन एवरी कंटेनर दे गेट यूनिक मैक एड्रेस और सभी कंटेनर का मैक एड्रेस हमारे स्विचेस की टेबल्स में इंपैक्ट होता है दिखाता है प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को ऐसा लगता है कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डिवाइस आ गया है सेपरेट बट दिस इज नो डिवाइस दिस इजो कंटेनर जिसका सेपरेट हार्डवेयर एड्रेस स्विच की टेबल में प्रजेंट हो रहा है जिसका अपरेंस है स्विच लेवल पे ओके okay? yes. और प्रॉपर्टी बताओ फिर लाइक इफ एनी कंटेनर विच वी हैव अटैच इन दी मैक नेटवर्क सो हाउ वी विल एक्सेस क्या इसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है क्या क्या इसका और हाँ इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की नीड नहीं है क्यों क्योंकि डायरेक्टली तुम्हारा जो कंटेनर है ना वो नेटवर्क लेवल पे आ चुका है अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका अपेरेंस आ चुका है मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेनर को डायरेक्टली उसके एक्चुअल आईपी से एक्सेस कर सकता है वी कैन ट्रैक एक्चुअल कंटेनर्स आईपी जो अभी तक नहीं हो पा रहा ट्रैक अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा था क्योंकि दे आर रनिंग प्राइवेटली बिहाइंड ब्रिज नेटवर्क ब्रिज किसी कंटेनर्स की आईपी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेजेंट नहीं करता इट गो सिस्टम आईपी एड्रेस हाँ इसमें मतलब हम कोई भी आईपी नहीं ले सकते हैं जो हमारा इंफ्रा का आईपी होगा उसी सबनेट का आईपी में लेना पड़ेगा राइट right. एक ये भी बात ठीक बोली आपने कि इन दी मैक विलेन जो ब्रिज बना के दोगे तो आप कंटेनर्स के लिए उस ब्रिज का नेटवर्क सबनेट पूल जो होगा वो हमारे इंफ्रा से आएगा ठीक है सो so... एक बार सॉल्यूशन दोबारा बताइएगा सर थोड़ा सा कंफ्यूज है समझ नहीं आया था बिल्कुल एक बार दोबारा बताएंगे समझ में इसलिए नहीं आया कि आपको ब्रिज नेटवर्क की प्रॉपर्टी नहीं पता ब्रिज नेटवर्क से कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हम लोग अचीव नहीं कर पाते तो हैं है। नहीं सर ब्रिज और ये मैक विलेन एक साथ, एक साथ कैसे होगा ये एक है? साथ नहीं बोला मैंने मैकविलेन दिस इज आल्सो ब्रिज ने, नेटवर्क ये ब्रिज ही नेटवर्क है बट ये तुम्हारे कंटेनर को इट प्रोवाइड यूनिक मैक एड्रेस योर कंटेनर का जो मैक एड्रेस होगा जो उसका आईपी एड्रेस होगा वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्विच की टेबल में अपेरेंस होगा उसका और ब्रिज में चलने वाला जो कंटेनर होता है दिस इज लिमिट विद इन डॉकर होस्ट उसकी आइडेंटिटी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है वही कंट्री इसको ओपन करना चाहता है तो डॉकर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू कम देन डॉकर सिस्टम से प्रॉक्सी सर्विस जो है इसकी वो कंटेनर पे आपको रीडायरेक्ट करता है मैकविलेन में फिर सबनेट uh, uh, बनाएंगे अंदर सबनेट तो बनेगा कैसे बनेगा देखो कमांड बताओ जैसे इंटरव्यू सेशन बट कमांड तो मुझे तो बताना, तो बताना तो पड़ रहा है आप लोगों को कमांड यू हैव टेल मी कमांड क्या होगा इसके लिए नहीं नेटवर्क क्रिएट हो हाइफन डी और वहां पे जहां पे ब्रिज या वो देते थे वहां पे मैक विलन देना पड़ेगा एमएसी वी ले लो तोकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन डी हाइफन डी नहीं आएगा इसमें नेट ड्राइवर हां ड्राइवर ड्राइवर है ड्राइवर मैक विलेन मैक विलेन है सर फिर स्पेस हाई फायर ऐप सबनेट सबनेट फिर हमारा जो इंफ्रा का सबनेट रहता है वह वही हाँ, हां ये सबनेट अपने मन से मैं अभी चूज नहीं कर सकता तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इंफ्रा का जो सबनेट है वो क्या है मेरे इंफ्रा का सबनेट ये है 192174 ये बेसिकली तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइपन हाइपन ड्राइवर मैक VLAN, 하이픈 하이픈 सबनेट, राइट? हम्म, लास्ट ट्वेंटी फोर, देन? उसका गेटवे, गेटवे, हाइपन हाइपन गेटवे, हाइपन हाइपन गेटवे, गेटवे क्या है? ये मेरे इंफासेस्टर गेटवे है, हम्म, hmm. ठीक तो है? तुम डीएनएस भी दे सकते हैं इसका, डीएनएस वाले दे सकते हैं? डीएनएस तो नेटवर्क डीएनएस थोड़ी प्रोवाइड करेगा आपको तो डीएसपी तो नेटवर्क अच्छा डीएसपी नहीं चल रहा है आ, uh, हाँ सेवेंटी फोर पॉइंट टू देन हाइफन ओ कुछ पेरेंट इज इक्वल टू इसमें जो इसका निक नेम देते, हाँ, देते हैं ईएनएस हाँ, कुछ भी ये सभी कंटेनर्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में किस इंटरफेस पे ट्रेवल करेंगे क्या नाम है उसका ई हाँ. एन क्या कमांड है

अभी ठीक है नाउ लेट्स सी क्या होता है आई एम अगेन डिप्लोइंग डेटाबेस कंटेनर और वी आर एसोसिएटिंग दिस नेटवर्क विद दिस नेटवर्क मैं कौन सा है फिजिकल नेटवर्क से मैंने इस कंटेनर को एसोसिएट कर दिया फिजिकल oh. नेटवर्क से ठीक है पोर्ट फॉरवर्डिंग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट हेयर पोर्ट फॉरवर्डिंग मैं नहीं दे रहा इसको ठीक है

कमांड डॉक्कर डॉकर इंस्पेक्ट और उसका नेटवर्क का नाम राइट सो दिस इज योर मैक आइडेंटिटी ओके इफ आई शट डाउन दिस कंटेनर सो मैक एड्रेस चेंज होगा क्या नहीं मैक नहीं चेंज नहीं इफ आई शट डाउन दिस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके दोबारा इसका मैक एड्रेस देखता हूँ तो क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ चेंज नहीं हुआ ये सेम एड्रेस एक्चुअल जो मुझे पहले दिखा रहा था ठीक है अब डेटाबेस में लॉगिन करूंगा मैं सो व्हाट विल बी कमांड सर आईपी भी स्टिका आईपी हाँ आईपी भी आपका स्टैटिक रहेगा इसके अंदर जो आईपी एक बार मिला आपको मैं टेबल से मैं एड्रेस है वो दोबारा आपको मिलेगा तो 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 लीज़ कुछ होता है 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 इसमें आईपी 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 से से भी भी मतलब नहीं है भी तो नहीं नहीं हमको चेंज अगर अगर हो रहा प्रॉब्लम क्योंकि जो जो लाइसेंसिंग हुई हुई ना वो मैक एड्रेस बट सर मान लीजिए साथ, साथ में हम कोई एक्सेस करेगा हर तो बार तो ये डालेगा तो डाले तो एक सकते एक हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक आईपी देना है पहले तो ठीक है या आपने जो बोला है उसका आंसर ये है फिर इसमें एक ऑप्शन होता है फिजिकल नेटवर्क में से मुझे स्टैटिक आईपी कौन से दे दो मेरा आईपी होना चाहिए ट्वेंटी ये आईपी आपका क्या हो गया स्टैटिक आईपी आपके लिए हो गया बॉस, ठीक है चीज़ी अब चीज़ी। आप इसको रिस्पेक्ट इस करोगे और डीबी को तो आपका आईपी एड्रेस यही रहने वाला है मिस्टर दिख रहा है हां जी अब डेटाबेस में लॉगिन करना है अगर तो सिंपल सा क्या होगा ये देखो आज पहली बार डेटाबेस कंटेनर को उसके एक्चुअल आईपी से मैं ओपन कर पा रहा हूँ फिजिकल नेटवर्क की आईपी से मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग भी नहीं किया है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ होस्ट नेटवर्क दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंफा नेटवर्क दिस इज द्यूटी ऑफ मैक यस सर अनमोल और आप लोग समझे आप लोग ठीक है ये सर ये जो आईपी दिया था उस आईपी से हमने कनेक्ट कर लिया आईपी किया था अभी हाँ से. तो अभी आप एक बंदा दोबारा से मुझे बताओ नेटवर्क और मैक विलन नेटवर्क फिर दोनों में क्या डिफरेंस है क्योंकि फॉरवर्डिंग के और मैक विलन में ऐसा हो रहा है फिर दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वर्किंग में

कॉमन मैक एड्रेस जैसे लेट सपोज आई हैव टेन कंटेनर्स ओके एंड आई हैव अटैच सभी टेन कंटेनर्स को मैंने होस्ट नेटवर्क से अटैच कर दिया तो इसमें मैक एड्रेस अलग से थोड़ी बनेगा यू आर नॉट क्रिएटिंग मैक टेबल सेपरेटली जो होस्ट सिस्टम का आईपी है जो होस्ट सिस्टम का मैक एड्रेस है वही सभी कंटेनर्स का एड्रेस होगा इसमें क्या हो रहा है सर उसमें आइडेंटिटी सेपरेट नहीं है इसमें कंटेनर दे आर गेटिंग सेपरेट आइडेंटिटी ऑन इंफ्रा लेवल मैक एड्रेस प्लस आईपी एड्रेस बोथ कंटेनर इट्स एक्टिंग एज अ सेपरेट डिवाइस ओके यस संगीता

फिक्स uh, IP, VLAN? IP VLAN uh, किया वहा पे पी का रहता हमारे पास मैक की लिमिटेशन होती है अवेलेबल नहीं है तो हम वही एक्सपोज हम आईपी के थ्रू करते हैं और कोई स्टूडेंट थोड़ा सा हाँ ठीक है बट सेटिस्फाई आंसर नहीं है एक्चुअलिटी दे दो मैक विलन में मैक एड्रेस मिल रहा है आपको इंडिविजुअली क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है लाइसेंसिंग की वजह से मैक मैक एरिया पर फोकस किया जा रहा है ठीक है बट आईपी विलन में क्या हो रहा है सर आईपी पी में जैसे कि आईपी मिलेगा बट आ, मैक एड्रेस तो नहीं मिल सकता हाँ सर मुझे एल थ्री लेवल पर कंटेनर को एक्सेस करना है बस बट एप्लीकेशंस के मैक एड्रेस की मुझे नीड अलग से नहीं है फिर तो मैक एड्रेस सबका कॉमन चलेगा बट नेटवर्क पैकेट जो है आईपी एड्रेस पैकेट वो सबका अलग होना चाहिए आईपी का वीलन अलग बनना चाहिए नाम ही क्या आईपी वीलन यानी आईपी एड्रेस के वीलन से एक्सेसिबल होगा ये अब अब यहाँ मैक एड्रेस का फैक्टर कुछ भी नहीं हमारे लिए तो आईपी पी वीलन में और मैक वीलन में एक ही डिफरेंस है बस आई दोनों में मिलेगा आपको सेपरेट बट आईपी विलन में तुम्हारा मैक एड्रेस अलग नहीं होगा एपियरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका होगा जैसे अनमोल ने बोला है कुछ कंपनीज में सर लाइसेंसिंग की बात ही नहीं हो रही है लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट मेरे पास कोई है नहीं ठीक है मुझे कंटेनर्स का अपेरेंस चाहिए बस ओवर दी फिजिकल नेटवर्क और मैक एड्रेस की भी एक लिमिट रहती है कंपनीज के अंदर हम देखा होगा स्विच में भी क्या रहता है जैसे कंटेनर तो एक माइक्रो सर्विस है अब वी आर क्रेटिंग थाउजेंड कंटेनर्स तो थाउजेंड पोर्ट की मेरे पास स्विच अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है पोर्ट की लिमिट रहती है सिस्टम स्विच के अंदर तो फिर आप क्या करोगे यू विल बी क्रिएट आईपी विलन आईपी विलेन में क्या होगा इंटरफेस का मैक एड्रेस अलग नहीं होगा सिर्फ आईपी एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेगा बस दैट्स इट ठीक है ना ये सर राइट सो टोटल ड्राइवर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इंटरव्यू में कि डॉकर की नेटवर्किंग कैसे काम करती है

फॉरवर्डिंग एंड डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग उसके बाद फिर जो होस्ट नेटवर्क आता है जहा पे हमें कोई सिक्योरिटी की नीड नहीं है डायरेक्टली हमें इंफ्रा के आईपी से एक्सपोज करना है वहां पे पोर्ट फॉरिंग की नीड नहीं रहती है उस केस में हम होस्ट नेटवर्क यूज करते हैं फिर आता है मैक विलैन और आईपी विलयन मैक विलयन और uh, में इसमें क्या होता है जो हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज केस होता है जहां पे हमें मैक के थ्रू uh, कोई बाइंडिंग करनी रहती है वहां पे मैक विलैन यूज करते हैं यहाँ पे हमें पोर्ट फॉरिंग की नीड नहीं रहती डायरेक्टली हम एक्सपोज मतलब कि हमारी कंटेनर बाहर से एक्सेस कर सकते हैं और ठीक लाइन में हमारा आ, सेम वही इसमें मैक में यहाँ पे आईपी लाइन में मैक हमारे सेम रहते हैं हमारा हर कंटेनर को आईपी सेपरेट सेपरेट मिलते रहते हैं हम्म संगीता आप बताओ और इसको इतना बेटर बोल सकते हो आप प्रॉपर स्टार्टिंग से हाँ जी आ, जो आर्किटेक्चर इस... कितना टाइम बोल सकते हो उसके बारे में आप कंटेनर uh, के वही है जो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कंटेनर तो उसमें हम वो सबसे पहले ब्रिज से कनेक्ट होता है अगर ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है तो हम उस कंटेनर को विद इन एक ही होस्ट में एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें बाहर से किसी कंटेनर को एक्सेस करना चाहते हैं हम आउटसाइड uh, इंटरनेट पे तो हमें उसको एक्सपोज करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी पोर्ट फॉरवर्डिंग में मेनली क्या होगा हम एक नोड का आईपी एड्रेस और जैसे मान लो अगर हमने डेटाबेस का डबल थ्री एट नाइन यूज हो गया अगर तो दूसरा कंटेनर पे हम सेम डेटाबेस कहीं और वो एक्सपोज नहीं हो सकता कि एक होस्ट पे एक कंटेनर पोर्ट ऑक्यूपाई हो गया तो दूसरे में हम यूज नहीं इसलिए लिमिटेशन था कि हम आ, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग में वो यूज हो जाता है पोर्ट होस्ट का तो किसी और के लिए वो यूज नहीं कर सकते हम तो इसके लिए आगे आया लेटर कहीं कंटेनर पे हम चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं और वो लाइसेंस बेस्ड है तो हमें पे पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे वो बाइंडिंग होगी तो लिए हमें पर्टिकुलर एक यूनिक मैक एड्रेस का रिक्वायरमेंट होगा तो उसके लिए हम मैक मैकवीलन यूज करेंगे अगर कर, जैसे आपने बोला कि कहीं हर जगह अगर हम बहुत सारे कंटेनर क्रिएट करेंगे बहुत सारे मैक एड्रेस हम नहीं दे सकते तो हम उन्हीं कंटेनर पे कहेंगे जहाँ पे हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ पे मैक मैकवीलन वाला नेटवर्क

इवन वो चेंज भी हो जाता है तो मैटर नहीं करता ठीक है ये प्रॉपर्टी होती है ब्रिज नेटवर्क की लेकिन किसकी ब्रिज नेटवर्क की होती है लेकिन सर हाँ, कस्टम ब्रिज में नाम से पिंग हो सकता है थोड़ा सा रुको अभी दो नेम स्पेस के बारे में बात करूंगा मैं एक कर्नल नेम स्पेस एक यूजर नेम स्पेस ठीक है तो पहले एक बार आप थोड़ा सा आपको टाइम मिले यू जस्ट ट्राई कि सिस्टम में दो टाइप के नेम स्पेस होते हैं एक यूजर नेम स्पेस एक कर्नल नेम स्पेस तो डिफ़ॉल्ट जो ब्रिज होता है ना डिफॉल्ट ब्रिज इट कर्नल स्पेस ठीक है और जो कस्टम ब्रिज होता है वो आता है यूजर नेम स्पेस के अंदर ठीक है वहां से okay. बात आंसर मिल जाएगा आपको सो नाउ लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग ये था अबाउट दी नेटवर्किंग क्वेश्चन ओके